धीरा आप बताओ क्या हुआ यहाँ? माता ये लोग आपके और लव कुश के पिता के विषय में अब शब्द कह रहे थे। क्या कह रहे थे? क्षमा करे माता, परंतु मैं वो अपशब्द दोहरा नहीं सकता। आप सब बताओ क्या कह रहे थे आप सब? बोलो। उनसे बात करने का कोई लाभ नहीं है माँ। जब ये इतने वर्ष श्री राम के मुस्कान के पीछे की पीड़ा नहीं समझ पाए तो हमारी पीड़ा क्या समझेंगे? हाँ, हम तो है ही ना समझ। आप ही बताइए ना कि आपके पति ने आपका परित्याग क्यों किया? क्यों वो आपके और अपने पुत्रों के साथ नहीं रह सकते? फिर से यदि तुमने अपनी मर्यादा भंग की पुष्कर, तो माँ भी मुझे नहीं रोक पाएगी। कुश, पहले स्वयं को रोकना सीखो और अपनी मर्यादा को समझना सीखो। बिना संबंध के हमारे परिवार में हस्तक्षेप किया, हमारे ज्येष्ठ पिताश्री श्री राम के व्यक्तिगत प्रसंगों पर प्रश्न किया, काल्पनिक कथाएं गढ़ी, और अब जब हम तुम्हारे परिवार पर प्रश्न उठा रहे तो इतनी पीड़ा क्यों हो रही? तो बताइए क्यों त्याग दिया उन्होंने आपको? मैंने सीता का परित्याग नहीं किया, बल्कि एक रानी ने एक नारी की अस्मिता को बनाए रखने के लिए निर्णय ली और उसके पति उसके इस उचित निर्णय में उसका साथ दी। मौन क्यों है? बताइए ना कौन है इनके पिता? और क्यों छोड़ा उन्होंने आपको? पिताश्री बड़े निराश होंगे जानकर कि जिन लवकुश के संस्कार सीखने के लिए हमें इस आश्रम में भेजा, प्रश्न के बदले प्रहार करना ही उनके संस्कार है। जीवन में पहली बार ज्येष्ठ पिताश्री ने भ्रमित होकर निर्णय लिया। उन्हें अवश्य खेद होगा कि जिन बालकों को वो इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करते हैं उन्हें इस आश्रम में भेजकर उन्होंने सबसे बड़ी भूल की है। नहीं पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कभी भ्रमित नहीं हो सकते। तब वह भी सिद्ध कर देगा कि जो कुछ भी हुआ वो क्षणिक आवेश में हुआ। कुछ पल के लिए क्रोध ने लव के विवेक पे वश कर दिया था। लव, इसी क्षण क्षमा मांगो। माँ, आप कहो तो प्राण दे दूं, किंतु ये क्षमा इस बात का संकेत होगी कि लव ने अपने माता पिता का अपमान स्वीकार कर लिया। आप जो दंड देना चाहे दीजिए, किंतु मैं इससे क्षमा नहीं मांगूंगा। ये प्रतीत होता है कि इनके संस्कारों को लेकर केवल हमारे ज्येष्ठ पिताश्री नहीं, स्वयं इनकी माता वनदेवी भी भ्रमित है। मैं भ्रमित नहीं हूं। क्षमा नहीं मांगोगे तो दंड मिलेगा।
अद्भुत पुष्कर भैया। प्रहार आप पर हुआ पर पीड़ा लवकुश को पहुंची। आप तो बिना अध्ययन के राजनीति में निपुण हो गए। ये दंड तो केवल लव के प्रहार का मूल है तक्ष। अभी तो चक्रवर्ती ब्याज लूंगा इन लवकुश से। आपने अपने गुरु भाई पे प्रहार किया क्यों? आप तो ऐसे नहीं थे लव। आपके इस प्रहार ने मेरे दिए गए संस्कारों पे प्रश्न उठाए। उत्तर दो, क्यों किया आपने ऐसा? मोहन क्यों हो बोलो। इन वृक्षों की तरह मौन मुख बनाकर रखोगे तो फिर ठीक है, अब इन मौन वृक्षों के साथ ही खड़े रहना। माई अब ठहर जाओ, कुछ मेरे और लव के मध्य मत आओ। आभास तक नहीं कि आपके इस व्यवहार से मेरे संस्कार ही नहीं श्री राम का विश्वास भी लज्जित हुआ है। वो वहां अयोध्या में निश्चिंत होंगे कि उन्होंने अपने कुल के बालकों को उचित हाथों और श्रेष्ठ संगति में भेजा है। किंतु जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि आपने उनके साथ क्या किया, कितना कष्ट होगा उन्हें। प्रश्न का उत्तर प्रहार, क्या ये सिखा के भेजेंगे हम उन्हें आश्रम से? सदा आप पर गर्व हुआ। जब भी आपको देखती थी तो आपके लालन पालन में आई कठिनाइयां और कष्ट भूल जाती थी। सदा इस बात का संतोष रहा कि माता पिता दोनों के उत्तरदायित्व निभाने में मैं चूकी नहीं, कि पिता की अनुपस्थिति का कुप्रभाव मैंने आप पे नहीं आने दिया। किंतु आज इस एक कर्म ने मेरा संतोष, मेरा विश्वास दिला दिया और आप अब भी मौन खड़े। ठीक है, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आपके इस दुर्व्यवहार के स्पष्टीकरण के योग्य नहीं हूं तो ऐसा ही सही। कल सूर्योदय होने तक आप अपना मुख नहीं खोलेंगे, ना भोजन के लिए, ना जल के लिए और ना ही कुछ कहने के लिए। और ये है मेरा दंड। चलो कुछ। माँ, मैं अभी आता हूँ। मैंने जो पौधे उगाए थे उसके निकट घास उगाई है, मैं अभी उसे ठीक करके आता हूँ। माँ क्या सोच रहे हो तक? यही कि जितना देखा उससे तो यही लगता है कि लव उनमें से नहीं जो अपना संयम शीघ्र खो दे। हाँ, कुछ अवश्य अधीर है, परंतु आज सब कुछ उल्टा हुआ। अवश्य ही लव के इस व्यवहार के पीछे कारण कुछ और है। उचित का, और हमें उस कारण का पता लगाना होगा। भैया,
आज जो आपने पुष्कर को थप्पड़ मारा ना, आनंद आ गया। वैसे अधीर होकर प्रहार करने वालों में से आप नहीं, मैं हूं। अर्थात इस आवेग का कारण कुछ और था, है ना? जाओ। किंतु मौन व्रत रहने का दंड तो आपको मिला है ना भैया? मैं तो बोलने को स्वतंत्र हूं। ये ठीक है कि पुष्कर अत्यंत उद्दंड है, किंतु आप तो किसी भी कारण से अधीर नहीं होते। फिर अचानक आज क्या हुआ कि आपने उस पर प्रहार कर दिया? चलो इस पूरे घटनाक्रम का हम पुनः अवलोकन करते हैं। वो देवी सीता के विषय में अनभिज्ञ था और न ही उसे श्री राम और देवी सीता के विवाह के बारे में पता था। और फिर उसे हमारे पिताश्री के हमारे साथ ना होने की जानकारी प्राप्त हुई। आप जानते थे कि माँ को पिताश्री के विषय में प्रश्न नहीं बाते और माँ उनके प्रश्नों से आहत हो रही थी। हो, अब समझ आया। इसीलिए आपने पुष्कर पर प्रहार किया ताकि वो माँ से कोई और प्रश्न ना पूछ सके, है ना? किंतु एक भूल कर दी आपने भैया, एक नहीं दो प्रहार करने चाहिए थे आपको उस पर, ताकि एक की गुण समाप्त हो तो दूसरे का झटका उसे स्मरण रहे। वैसे तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, पर आज तो आपने इसे अर्जित कर लिया है भैया। जो आपने आज किया उससे मुझे गर्व है आप पर भैया। देखा भैया, एक बार के लिए भूल जाइए कि उसने आप पर प्रहार किया, क्योंकि उसके पीछे उसके माता के लिए उसका प्रेम था। मैं तो कहता हूँ कि इनसे क्षमा मांग लीजिए और सारी कड़वाहट भूल जाइए। अरे मेरे बुले, मेरे प्यारे अनुज, यदि तुम इसी प्रकार उनके पक्ष में कहते गए तो कदाचित मैं ना तुम्हें भूल जाऊं। इसलिए मौन रहो और मुझे इन्हें इसी प्रकार कष्ट में देखने का आनंद लेने दो। बताइए ना, कौन है इनके पिता? क्यों छोड़ा उन्होंने आपको? हमारे ज्येष्ठ पिताश्री बड़े निराश होंगे जानकर कि जिन लवकुश के संस्कार सीखने के लिए उन्होंने हमें इस वन में भेजा, प्रश्न के बदले प्रहार करना ही उनके संस्कार है। सीते, भले ही अश्रु तुम्हारे किंतु इनमें समाई पीड़ा मेरी है और यह निर्णय हमारा। आर्या,